परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, 150 नई बसें आ गई, अब आगे क्या है और विभाग इसमें आगे क्या काम करने जा रहा है? देखिए, अभी हम लोग आगे जो है, अभी 150 बसें जनरत बसें अभी हम लोग कंप्लीट हो रही है, वो भी जनता को समर्पित करेंगे। 750 बसें हम लोग अभी हमारी अंडर प्रोसेस में है, बॉडी बन रही है, वो बन जाएगी, वो भी जनता को समर्पित किया जाएगा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज 2-2 बसें हम लोग नई जो है हर जिले में भेजे हैं। हम आज एक रक्षाबंधन के अवसर पर कहेंगे अपनी माताएं बहनों से कि अपने भाइयों से अपने ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए कहें और उनसे वचन लें कि हम जो है हेलमेट पहनेंगे और जो सीट का बेल्ट लगाएंगे, जो भी हमारे सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं वो नियमों को रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से वचन लें कि नहीं, आपको उनके जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। महिलाएं ये भी इंतज़ार कर रही हैं कि एक वायदा था 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त परिवहन सेवा, उस पर क्या विचार कर रहा है विभाग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज खुद अपने मुख्य अरविंदु से कह दिया है कि आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, हम लोग तैयार रहेंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, हमारी माताएं बहनें जो है निःशुल्क यात्रा पूरे देश में परिवहन निगम की बसों से। एक चीज़ और, मुख्यमंत्री ने कहा 20,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं रोड एक्सीडेंट्स में, विभाग इसमें कहाँ अपने आप में सुधार की गुंजाइश, क्या चीज़ें नया कर रहा ताकि ये कम हो आंकड़ा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा की कमेटी बनाई है जिसके स्वयं अध्यक्ष हैं, उसमें कई विभागों के POD, नगर विकास, स्वास्थ्य और मन हमारा परिवहन विभाग भी है, सबको मिला करके इसको कैसे रोका जाए इसके लिए काम चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। नई बसें और लाने की बात किया जा रहा है, वायदा किया जा रहा है, तो ये परिवहन विभाग का कहना है कि नई बसों को और धीरे धीरे शामिल किया जाएगा, पुरानी बसों को हटाया जाएगा, रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने का वायदा किया जा रहा है। कैमरामैन SK वर्मा के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।